हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अपने पास सेंट्रो जिंक आई है, उसका क्लच वायर का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि आधा क्लच फ्री जा रहा है और हार्ड पेडल हो गया है। तो इस तरह से जब प्रॉब्लम आती है तब क्या करना होता है, हमें इसका क्लच वायर चेंज करना होता है। तो किस तरह से किया जाता है, इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलो मैं आपको पहले प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये इसका जो क्लच पेडल है आप देख सकते हैं, आधा तो फ्री हो चुका है और आधा में क्या होता है, इससे बहुत हार्ड हो जाता है। तो इसका क्या प्रॉब्लम है, इसका जो क्लच वायर है वो ख़राब हो चुका है, तो उसे हम चेंज करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका पूरा का पूरा क्लच वायर है, इसे हमें रिप्लेस करना है। यहाँ से ये अंदर की ओर जा रहा है, तो हमें क्या क्या इसमें निकालना होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बोल्ट लगे हुए हैं और यहाँ से यह क्लच के साथ अटैच है, उसे हमें पहले रिमूव करना होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं वायर डैमेज हो चुका है पूरी तरह से, इसे हमें क्या करना है, रिप्लेस करना होगा। अगर गाड़ी पुरानी हो जाती है थोड़े टाइम के बाद इस तरह का प्रॉब्लम आ ही जाता है। दोस्तों, यह आप देख सकते हैं इसका सेटिंग है क्लच को टाइट और लूज करने का, तो हमें इसे अब पूरा का पूरा निकाल देना है। देख सकते हैं यहाँ पर भी एक बोल्ट से अटैच है और यहाँ पर दो बोल्ट लगे हुए हैं, इसे पूरी तरह से पहले रिमूव करना होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने ये दोनों 10 नंबर के बोल्ट को रिमूव कर दिया है और यहाँ से इसे फ्री कर दिया है। अब क्या करना होगा, हमें अंदर की साइड से इसे फ्री करना होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये क्लच का पेडल है, तो ये वायर यहाँ पे अटैच किया गया है, उसे हमें इस तरह से निकाल देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने यहाँ से इसे निकाल दिया है, अब क्या वायर को हम बाहर से खींच लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका पुराना वायर है जो हमने निकाल दिया है, आप देख सकते हैं बहुत टाइट हो चुका है, यहाँ से आप देख सकते हैं डैमेज है और ये इजीली अंदर बाहर मूव नहीं कर रहा है, और ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से फ्री है, इजीली एक हाथ से वर्किंग करता है और ये हार्ड हो चुका है पूरी तरह से। तो क्या करना होगा, हमें इसको इसकी जगह पर रिप्लेस कर देना है। ये वायर दोस्तों मार्केट में आपको 415 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है, तो हमें इसे रिप्लेस करना है। तो इसमें हम सबसे पहला क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग है, इसे पूरी तरह से ऊपर की ओर रखना है, ताकि क्या हो सके, इसे अंदर से इजीली बिठा सके और दोनों साइड से लगा सके इस केबल को पेडल के साथ और क्लच के साथ। तो इसे इजीली फिट करने के लिए हमें इसे सेटिंग को पहले ऊपर की ओर कर देना है, बाद में इसे इंस्टॉल करना है। तो चलो इसे इंस्टॉल करते हैं अब। दोस्तों, हमें पहले ऊपर की साइड से इस वायर को अंदर डाल देना है और उसके बोल्ट है उसे वापस से लगा देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने यहाँ से इसे फुल टाइट कर दिया है और यहाँ पर भी इसका जो हुक है उसे लगा दिया है, और हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर देना है। ऊपर की साइड से इसे अंदर की ओर डाल देना है। दोस्तों, यहाँ से इस तरह से डाल के हमें नीचे जो क्लच का, दोस्तों हमें यहाँ ऊपर से इसे डाल के आप देख सकते हैं क्लच का लीवर होता है, उसके साथ इस वायर को अटैच कर देना है। अब हमें क्या, अंदर की साइड से अभी हमने जो निकाला था उस वायर को वहाँ पे फिर से लगा देंगे। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ से वायर अंदर आ चुका है, उसे अब क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है। देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसे लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, इस क्लच को सेट करना होगा पहले। तो किस तरह से सेट किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं क्लच को सेट करने के लिए इसे दिया गया है, तो हमें यहाँ से क्या करना होगा, इस क्लच को पूरी तरह से सेट करना होगा, ताकि इसे क्लच करने के बाद पूरे का पूरा क्लच हो और छोड़ने पर पूरा का पूरा रिलीज हो जाए और पैडल भी टाइट रहे।
तो इस तरह से यहाँ से इसे सेट करना होगा हमें। तो दोस्तों इसको सेट करने के लिए क्या हमें इस तरह से ऊपर की साइड इसे खींचना है, बाद में इसे इस तरह से टाइट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे लॉक हो जाता है, इसलिए ये हम इसे छोड़ देंगे, बाद में ऑटोमेटिकली घूमेगा नहीं और सेटिंग चेंज भी नहीं होगा। दोस्तों सेटिंग ठीक कर देने के बाद हमें क्या चेक कर लेना होता है कि अब पूरी तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस तरह से पूरा का पूरा टाइट रहना चाहिए दोस्तों, और थोड़ा ही लगाने पर इस तरह से पैडल आ जाना चाहिए। को डाल देने के बाद हमें क्या करना है इसे चेक भी कर लेना है। तो क्या करना है, हमें गाड़ी स्टार्ट करके गियर में डाल के देख लेना है सारे गियर में इजीली जा रही है कि नहीं। तो इस तरह से सब गियर में इजीली जानी चाहिए गाड़ी। इस वीडियो में हमने देखा कि गाड़ी झिंक की सेंट्रो का क्लच वायर किस तरह से चेंज किया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो प्लीज सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।